तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोग बहुत ही ज़्यादा टाइम से कह रहे थे कि भाई एक टाउन ऑनलाइन मैक्स पे वीडियो लाओ कि हम लोग जल्दी से जल्दी टाउन ऑनलाइन को मैक्स कैसे कर सके। भाई अब मैंने 2020 के अंदर भी यहाँ पे एक वीडियो डाला था टाउन ऑनलाइन का, उसके अंदर गाइस आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ओपी सपोर्ट दिया, उसके लिए तो भाई थैंक यू। लेकिन गाइस आज का ये वीडियो पूरा देखना, और हाँ गाइस आज का ये वीडियो ध्यान से समझना, तो गाइस आपको पता चलेगा कि आप टाउन ऑनलाइन को फर्स्ट मैक्स कैसे कर सकते हो। अगर गाइस आप लोग ये वीडियो को आधा देखोगे तो मुझे पता है गाइस आप लोग डिसलाइक करोगे, गंदा कमेंट करोगे और फिर चले जाओगे। तो गाइस इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो एक लाइक ड्रॉप करना मत भूलना, और अगर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो गाइस अब हम लोग हमारे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप लोग ये वीडियो पे इसलिए क्लिक किए हो कि भाई यहाँ पर मैं रोज आधा घंटा गेम खेलूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद जल्दी से जल्दी TH9 को मैक्स कर दूंगा। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाले है। गाइस अगर आपको कोई भी टाउन को मैक्स करना है ना, तो ज़्यादा गेम तो खेलनी होगी, चाहे वो टाउन ऑनलाइन हो, टाउन 10, 11, 12, 13 और अगर 14 आए तो 14 भी। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी खेलनी होगी, तो गाइस आपका बिल्डअप फ्री नहीं रहना चाहिए। जब भी आपका न्यू टाउन ऑनलाइन हो जाए तो आपका बिल्डअप फ्री नहीं रहना चाहिए। गाइस ये तो एक मैंने आपको बेसिक चीज़ यहाँ पर बता दी, ठीक है। मेन तो अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको टाउन ऑनलाइन को फर्स्ट मैक्स करने के लिए करना क्या होगा, तो गाइस मैं सभी मैजिक आइटम की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन गाइस आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डर पोशन को यूज करना होगा। जी हाँ गाइस, बिल्डर पोशन और रिसर्च पोशन। लेकिन गाइस यहाँ पर मैं ज़्यादा महत्व यहाँ पर लैब को भी नहीं देता हूँ, क्योंकि लैब तो धीरे धीरे मैक्स हो जाएगी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले। लेकिन गाइस मेरा कहना ऐसा है, आप लोग डेली या फिर 2 डेज के बाद एक बिल्डर पोशन जरूर लगाओ, क्योंकि गाइस अगर आप लोग एक बिल्डर पोशन लगाओगे ना, तो आपके पांचों के पांचों चीज के 12 आवर कट हो जाएंगे। इससे गाइस आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और गाइस ये टाइम तो ऐसा चल रहा है ना कि सभी के सभी क्लेशर के पास कम से कम 200 मेडल तो होते ही है। यहाँ पर मेरे पास तो 800 थे, मेरे तो सभी आईडी के अंदर ज़्यादा है क्योंकि मैं मेडल को सेव करता हूँ। लेकिन भाई अगर आपके पास 200 मेडल है ना, तो भाई आप लोग खुद सोच लो कि आपको कितनी ज़्यादा बिल्डर पर्सन को परचेस कर पाओगे। तो कहते हैं पहली तरीक ही समझ लो, ठीक है। मुझे पता है आप लोग क्या करते हो, TH10 के लिए बिल्डर पर्सन बाकी रखते हो। गाइस अभी आपका TH9 है, आप लोग TH9 पे बिल्डर पर्सन यूज कर लो, जब TH10 करना होगा तब की बात तब। लेकिन गाइस अभी के अभी आपको बिल्डर पर्सन यूज करना स्टार्ट कर देना है। गाइस मैं मेरी बात बताता हूँ, जो कि TH11 की थी, भाई मैं दो तीन बिल्डर पर्सन एक साथ लगाता था, ठीक है, TH11 के ऊपर दोनों आईडी के अंदर। तो भाई ये तो आपका TH9 है, आप लोग एक बिल्डर पर्सन लगाओगे तो वही बहुत होगा। तो गाइस ये मेरी पहली ट्रिक थी कि आप लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बिल्डर पर्सन को यूज करो। चलो गाइस अब हम लोग सेकंड चीज के बारे में बात करें। गाइस पता है मैं आजकल क्या देख रहा हूँ, भाई मैं देख रहा हूँ कोई गोवाइप से फार्मिंग कर रहा है, भाई मैं देख रहा हूँ कि कोई फुल पैक्का आर्मी से कर रहा है, और भाई मैंने तो ऐसे भी देखे हैं जो भाई विच स्लैब से फार्मिंग करते हैं। आई नो आप लोगों ने नहीं देखोगे, लेकिन मैंने बहुत बंदे देखे जो बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट आर्मी यूज करते हैं और वो लोग फार्मिंग भी करते हैं, लेकिन आपको बेनिफिट क्या होगा। गाइस यहाँ पर ये ट्रिक पता है क्या है, पहले ही कह देना चाहता हूँ, अगर आपको TH9 को मैक्स करना है ना, तो आप लोग गोल्ड से भी नीचे चले जाओ, ठीक है, गोल्ड से भी नीचे चले जाओ। उसके बाद गाइस आप लोग क्या करो, ओनली बर्ड्स को यूज करो, यानी कि आर्चर बारबियन। कहते हैं मैंने विच स्लेप बना के रखी है भाई, क्योंकि मैंने पता है किस लिए बना के रखी है, ये तो मैं वॉल CW के लिए बना के रखी है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर मत लेना कि भाई तू खुद ही बना रहा है। अब गाइस हम लोग टॉपिक क्या आते हैं, आपको जायंट बारबियन आर्चर से फार्मिंग करना है। अगर आपका TH10 है, TH11 है, तो मैं समझ सकता हूँ आप लोग यहाँ पर हाइब्रिड के साथ फार्मिंग कर सकते हो। लेकिन गाइस अगर आपका TH9 है, तो भाई मेरी सजेशन तो यही है, या फिर ये ट्रिक यही है, आप लोग गोल्ड से भी नीचे चले जाओ और यहाँ पर गाइस आप लोग जायंट और बारबियन से ही फार्मिंग करो। क्यों गाइस ये आर्मी 2 लाख की बनेगी और आप लोग यहाँ पर 6 लाख गोल्ड या पहले जब फार्म कर पाओगे गोल्ड से नीचे, भाई मैं तो कहना चाहता हूँ उससे भी ज़्यादा कर पाओगे अगर आप लोग गोल्ड से नीचे आ जाओगे। लेकिन गाइस आप लोग क्रिस्टल के ऊपर कभी भी जायंट बारबियन से फार्मिंग नहीं कर सकते, उसके अंदर गाइस आपको TH9 मैक्स मिलेंगे। तो गाइस मेरी सेकंड तरीके थी, गाइस आप लोग यहाँ पर अपनी लीक को डाउन कर लो थोड़े टाइम के लिए, जब TH9 मैक्स हो जाए तो वापस आ जाना और जायंट बारबियन से फार्मिंग करो। गाइस यहाँ पर मैं आपको डिफेंस की बात बताने वाला हूँ, अब गाइस ये ट्रिक नहीं होने वाली, यहाँ पर मैं आपको बेसिक चीज बताने वाला हूँ। यहाँ पर कैसे आपको करना क्या है, जब आप न्यू TH9 आते हो तो 2 X-Bow को कैसे आप लोग को उतार लेना है, ठीक है, 2 X-Bow को गाइस, और 2 X-Bow को उतारने के बाद कैसे आपको उसको लेवल 2 का कर देना है। और कैसे यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, लेवल 1 या लेवल 2 के लिए कैसे आपको 2 बिल्डर पर्सन यूज कर लेनी है, ठीक है, दोनों के अंदर 2 बिल्डर पर्सन यूज होनी चाहिए, जिससे आपको डे के जो आपका डे है वो थोड़ा कट हो जाएगा और आपको बेनिफिट मिलेगा। अब आपको लेवल 3 के लिए नहीं रखना है, ठीक है, आपको करना क्या है, आपके आर्चर टावर, कैनन,
विजय था और हिडन टेस्ला को आप लोगों को पहले मैक्स करना है। ठीक है, ये चार चीजें जो मैंने आपको बताई ये आपको गाइस पहले मैक्स करना है और उसके बाद गाइस आपको लास्ट में यहाँ पर एक्सबो को मैक्स करना है। अगर गाइस आप लोग ऐसा करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। और बहुत बंदे पूछ भी रहे थे भाई कि हम लोग पहले वॉल को मैक्स करें या फिर डिफेंस को। मेरी सजेशन है गाइस वॉल को छोड़ दो, मतलब वो लास्ट के अंदर मैक्स करना। हमको टीएचएन फुल मैक्स करके जाना ही है लेकिन वॉल को हमको लास्ट में करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं इसीलिए ये डिफेंस के बारे में आपको बताना चाहता था। अब लोग ऐसे अपने डिफेंस की प्रियोरिटी रखना। अब गाइस यहाँ पर मैं वो चीज के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके लिए 80% लोगों ने यहाँ पर वीडियो पे क्लिक किया होगा। ठीक है, वो है गाइस कि हम लोग फर्स्ट हीरो को मैक्स कैसे करें। अब गाइस हम लोग नॉर्मली करते क्या है, पहले मैं वो बता देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्वीन को उतार देते हैं, लेवल 5 का कर देते हैं, फिर उसको अपग्रेड ही नहीं करते। ठीक है, उसको बहुत थोड़े टाइम बाद करते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद गाइस हमको उसको लेवल 10 का करते हैं और फिर गाइस हम लोग यहाँ पर वीडियो को सर्च करने लगते हैं भाई हाउ टू मेक हीरोज फर्स्ट इन टीएचएन। गाइस आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर मैं एक चीज कहता हूँ, आपके पास टाउन ऑन लाइन के अंदर 5 बिल्डर होते हैं। ठीक है, आप लोग 4 बिल्डर डिफेंस के अंदर लगाओ, क्लैन कैस्टल के ऊपर लगाओ, बैरक के ऊपर लगाओ, आर्मी कैंप के ऊपर लगाओ, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन गाइस आप लोग हमेशा एक बिल्डर ना गाइस आपको अपने हीरोज के ऊपर लगा के रखना है। अगर जब गाइस आप लोग यहाँ पर TH8 से आओगे तो आपका बार्बर किंग तो लेवल 10 का होगा ही, लेकिन गाइस आपके आर्चर क्वीन तो 0 की होगी। तो गाइस आपको स्टार्ट करना है आर्चर क्वीन को लेवल 1 से लेकर लेवल 20 तक लेके जाना है कंसिस्टेंट से। ठीक है गाइस, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको यहाँ पर गोल्ड से नीचे चले जाना है, क्योंकि आप सभी को पता होगा गोल्ड से नीचे आपको डेथ बेस मिलेंगे, आपको क्वीन की कोई जरूरत होगी नहीं। आपको कंसिस्टेंट यहाँ पर फार्मिंग करनी है और कंसिस्टेंसी से गाइस आपको यहाँ पर अपग्रेड करना है अपने आर्चर क्वीन को। ठीक है, यहाँ पर गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी आर्चर क्वीन लेवल 24 की है, क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ मेरी TN को। लेकिन जब यह एक समय था जब मैं अपने मोहम्मद सैफ आदि वाले अकाउंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करता था, तो गाइस आपको 20 तक लेके जाना है। और 20 तक लेके जाने के बाद मान लो आपकी क्वीन यहाँ पर 10 घंटे के अंदर यहाँ पर 20 की होने वाली है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट एलिक्सर रेडी रखना है किंग के लिए। अब आप लोगों को किंग को लेके जाना है 20 तक। अब गाइस आप लोग बुक ऑफ योर क्वीन के अंदर यूज करो या फिर किंग के अंदर, लेकिन गाइस यूज करना आप लोग क्या करते हो TH10 के लिए रहने देते हो, नहीं गाइस आपको लोग यूज करना भले आप किंग के लिए करो या क्वीन के लिए, क्योंकि बुक ऑफ हीरो यूज करोगे तो ही आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, फिर गाइस यहाँ पर दोनों जब आपके किंग क्वीन 20-20 हो जाए तो यहाँ पर आप लोग अपनी क्वीन को 30 की कर दो, उसके बाद यहाँ पर किंग को 30 की कर दो, सॉरी किंग को 30 का कर दो, भाई मैं उसको कहाँ फीमेल बना रहा हूँ। तो गाइस यही मेरे कुछ टिप थे ट्रिक थे जो कि मैं आपको बताना चाहता था। आई होप गाइस तुम लोग वीडियो को पसंद आया होगा। गाइस प्लीज यहाँ पर वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।